गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th ग्रेड, दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास। इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन दिस चैप्टर वी शैल रीड अबाउट प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड इट्स ट्रांसमिशन। ठीक है, सो योर फर्स्ट टॉपिक इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। व्हाट इज थ्रस्ट एंड व्हाट इज प्रेशर? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज थ्रस्ट? बेटा थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच एक्टिंग परपेंडिकुलर। थ्रस्ट इज नॉट अ फोर्स, थ्रस्ट इज नॉट ओनली अ फोर्स बट इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ सर्फेस। अ फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन अ सर्फेस इन एनी डायरेक्शन। वैन अ फोर्स इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सर्फेस इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, फोर्स हम किसी भी डायरेक्शन पर लगा सकते हैं बट अगर हम फोर्स परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं, ठीक है, इफ यू अप्लाइड फोर्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस देन इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सर्फेस। द थ्रस्ट एक्जर्टेड बाय अ बॉडी ऑन सर्फेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम परपेंडिकुलर कोई चीज़ लगा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई ब्लॉक है उसके वेट 10 केजी है तो उसका वेट कहाँ एक्ट करेगा? उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि दैट फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। एंड थ्रस्ट एक्जर्टेड बाय अ बॉडी, ठीक है, थ्रस्ट कितना होगा? इट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, द थ्रस्ट एक्जर्टेड बाय अ बॉडी ऑन द सर्फेस इज इक्वल टू द इट्स वेट। द थ्रस्ट इज सेम इन whatsoever position of the body is placed on the surface, thus thrust is exerted by a body on a surface is equal to weight of the body and thrust is a vector quantity. Thrust क्या है? Vector quantity है। ठीक है, it is measured and what is the unit of thrust? Thrust is measured in the units of force. ठीक है, force, if thrust is a kind of force so it is measured in the thrust in the units of force. The SI unit of thrust is newton and CGS unit of thrust is dyne. फिर 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 dyne। द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थ्रस्ट इन एमकेएस सिस्टम इन इज केजी किलोग्राम फोर्स एंड इन सीजीएस सिस्टम इज ग्राम फोर्स। नेक्स्ट बेटा व्हाट इज प्रेशर? अब प्रेशर क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स। द इफेक्ट ऑफ अ थ्रस्ट इज लेस ऑन अ लार्ज एरिया। जो लार्ज एरिया होगा उस पर इफेक्ट क्या होगा? उसका लेस होगा। और जो वाइल इट इज़ मोर ऑन अ स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एरिया होगा उसका उस पर थ्रस्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टैंड ऑन अ लूज सैंड, ठीक है, लूज सैंड है, योर फीट सिंक इन टू द सैंड, बट इफ यू लाई ऑन अ सैंड your body does not sink into the sand. In both cases the thrust exerted on the sand is same, equal to the weight, but the effect are different. When you lie on sand the thrust act on a large area, and when you stand the thrust same thrust act on a smaller area. The effect of thrust is expressed in terms of thrust पर यूनिट एरिया। ठीक है, इफेक्ट कैसे हम उसका मेजर करते हैं? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। दिस इज क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, कितना थ्रस्ट लग रहा है यूनिट एरिया पर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। इफ थ्रस्ट एफ एक्ट्स ऑन अ एरिया ए देन प्रेशर इक्वल टू पी इक्वल टू एफ ए, इट इज कॉल्ड प्रेशर इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स। ठीक है, ऐसे यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन एंड ऐसे यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। देन द ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज एब्रिवेटेड एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस यूनिट इज कॉल्ड नेम्ड पास्कल। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं, राइट। सो 1 पास्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्जर्टेड ऑन अ सर्फेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन। ठीक है, 1 पास्कल क्या है? इज द प्रेशर एक्जर्टेड ऑन अ सर्फेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट। तो सीजीएस में इसकी क्या यूनिट? सीजीएस में प्रेशर की यूनिट होती है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 9 सेंटीमीटर से इक्वल टू 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। एंड अदर यूनिट्स क्या होती हैं उसकी? बार, मिली बार, ऐसी होती है यूनिट्स। ठीक है, नाउ
फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं प्रेशर को? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सर्फेस डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज द एरिया ऑन विच द थ्रस्ट इज अप्लाइड, किस एरिया पर अप्लाइड हो रहा है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट, और थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ ब्रिक ऑफ वेट 4 kgf हैविंग डिमेंशन 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड विद इट्स लॉन्गेस्ट साइड वर्टिकल, व्हाइल इट एक्सर्ट मिनिमम फोर्स ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड विद इट्स शॉर्टेस्ट साइड इवन दो द थ्रस्ट इज सेम इन ईच केसेस. ठीक है, थ्रस्ट कितना आ गया 4 किलोग्राम, फोर्स एरिया ऑफ बेस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ प्रेशर ऑन बेस थ्रस्ट अपॉन एरिया, एरिया ऑफ बेस फिर प्रेशर ऑन ग्राउंड कितना कि 0. हमने निकाल लिया. ठीक है, ऑब्वियसली लार्जर द एरिया ऑन विच अ गिवन थ्रस्ट एक्ट लेसर इज द प्रेशर, जितने ज़्यादा लार्ज एरिया पर एक्ट करेगा उतना उसका प्रेशर क्या होगा, लेस होगा. ठीक है, उसका अगर हम एरिया बढ़ा देने के प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. वे टू इंक्रीज द प्रेशर, हम कैसे प्रेशर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द एरिया. फॉर गिवन थ्रस्ट द प्रेशर ऑन अ सर्फेस इज इंक्रीजिंग बाय रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ सर्फेस ऑन विच इट इज एक्टिंग. ठीक है, द एंड ऑफ नेल्स आर मेड पॉइंटेड सो दैट द लार्ज प्रेशर इज एक्सर्टेड थ्रू अ पॉइंट एंड एंड दे कैन बी ड्राइवन इन टू विद द लेस एफर्ट. ठीक है, जो नेल होता है तो उसको हमारा जो लास्ट पॉइंट होती है ना टिप, उसका एरिया क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं. कितना जितना कम एरिया होगा उतना लेस प्रेशर क्या एक्सर्ट होगा. द कटिंग टूल्स ऑल्सो हैव आइदर शार्प edges so that even a small thrust may cause a greater pressure at the edges and cutting can be done with less effort. ठीक है, जो हमारी knives होती हैं उसका भी edge क्या कर देते हैं, small कर देते हैं. ठीक है, उसके edges के area क्या कर देते हैं, decrease कर देते हैं, so that we can apply less thrust and less pressure with less effort. वे ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, बाई इंक्रीजिंग द एरिया. फॉर द गिवन थ्रस्ट द प्रेशर ऑन अ सर्फेस इज रिड्यूस्ड बाई इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया. फॉर एग्जाम्पल वाइट वुडन स्लीपर्स आर प्लेस्ड बिलो द रेलवे ट्रैक सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द आयरन नेल ऑन द ग्राउंड बिकम्स लेस. ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग आर मेड वाइडर देन द वॉल्स wider than the hole so that the pressure exerted by building on the ground becomes less. ठीक है, जो buildings होती हैं. Next, pressure exerted by the liquid. अब liquid कैसे pressure exert करता है. The pressure exerted by a liquid of density rho at depth h is p equal to h rho g, where g is acceleration due to gravity, that is pressure p h rho g depth. ठीक है, pressure क्या हो गया, depth into h is height or depth, density of liquid and acceleration due to gravity. प्रेशर ये होते हैं. इसको प्रूफ कैसे किया, हमने एक वेसल ले लिया जिसमें क्या है लिक्विड और उसकी डेंसिटी कितनी है रो. लेट द लिक्विड बी स्टेशनरी, अगर लिक्विड स्टेशनरी है. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रेशर एट डेप्थ h, कंसिडर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पी क्यू. ठीक है, हमने पी क्यू ले लिया ऑफ एरिया ए एट डेप्थ h बिलो द सर्फेस एक्स वाई. The pressure on the surface PQ will be due to the weight of the liquid column above the surface PQ. ठीक है, pressure किसकी वजह से होगा, उसके weight की वजह से होगा. The liquid contained in cylinder of height this is the thrust exerted by PQ. Thrust इस पर कितना होगा, equal to weight of PQRS. ठीक है, जितना उसका weight होगा उतना thrust होगा. तो volume कितना है liquid का, PQRS into density into g. ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया कितना है ए एच इंटू रो जी. तो इसका कितना है ए एच रो जी. ठीक है, दिस इज थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय पी क्यू ऑफ एरिया. तो पी कितने हो गया, थ्रस्ट ऑफ सरफेस. ठीक है, पी कितना आ गया, थ्रस्ट ऑन सरफेस ए एच रो जी इंटू ए के साथ ये कैंसिल, कितना है एच रो जी. ठीक है, हमने थ्रस्ट कितना लेना है, जितना लिक्विड का क्या होगा वेट होगा. ठीक है, जितना होल लिक्विड है पी क्यू आर एस दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट. ठीक है, इसे हम कैसे करेंगे, जितनी इसकी हाइट है, वॉल्यूम कितना है, इनटू डेंसिटी उसकी कितनी, इनटू ग्रेविटी उसके साथ, हमें इसके साथ उसका हमने वेट पता चल जाएगा, तो हम उसे इजिली नोट कर सकते हैं. टोटल प्रेशर इन द लिक्विड डेप्थ एच इक्वल टू एटमोस्फेयरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. ठीक है,
Since there is an atmospheric pressure above the free surface of liquid, so to find the total pressure at the depth inside the liquid, it must also be taken into the consideration. If the pressure, atmospheric pressure acting on the free surface of liquid is P naught, then total pressure in the liquid at a depth h equal to atmospheric pressure plus pressure due to liquid column. ठीक है, दोनों आ जाएंगे. अब कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं प्रेशर को? फैक्टर इफेक्ट्स द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सर्फेस. ठीक है, थ्री फैक्टर्स होंगे. एक तो उसकी डेप्थ किस पर देखो डिपेंड कर रहा है, डेप्थ पर, डेंसिटी पर और ग्रेविटी पर. तो जीते तीनों फैक्टर्स क्या करेंगे, इसे इफेक्ट करेंगे. राइट, आगे सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिक्विड प्रेशर. ठीक है, कौन कौन से पहले लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर. लिक्विड प्रेशर क्या है? देयर फॉलोइंग आर द फाइव लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर. कौन कौन से? इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज. ठीक है, जब हम इनसाइड जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन डेप्थ फ्रॉम इट्स फ्री सर्फेस. ठीक है, नीचे इंक्रीज इन डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा. इन स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, स्टेशनरी पर प्रेशर सेम होगा. प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन अबाउट पॉइंट इन साइड द लिक्विड. सेम होगा अबाउट अ पॉइंट इन, एक अगर एक पॉइंट पर देख रहे हैं. प्रेशर एट सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड. ठीक है, सेम डेप्थ पर डिफरेंट होगा डिफरेंट लिक्विड. इट इंक्रीज विद इंक्रीज इट्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड. लिक्विड सीक्स इट्स ऑन लेवल. ठीक है, लिक्विड्स क्या होता है? अपना एक ऑन लेवल होता है. ठीक है, उसका अपना लेवल होता है. ये बात याद रखनी है कि प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है डेप्थ में जाकर. तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं प्रेशर्स के? देर आर टू इन योर सिलेबस, द वॉल ऑफ द डैम्स एंड डाइवर्स सूट्स. द वॉल ऑफ द डैम इज मेड थिकर एट बॉटम. क्यों? बॉटम पर जो वॉल्स होते हैं डैम्स की, वो थिकर क्यों होती हैं? ठीक है, इन फिगर 4.4 शोज द साइड व्यू ऑफ अ डैम. द थिकनेस ऑफ द वॉल इज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू वर्ड्स द बॉटम. ठीक है, टॉप से इसकी थिकनेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. डैम की जो बॉटम होता है वो थिकनेस ज़्यादा मीन्स उसका थिक क्यों कर देते हैं? द रीज़न इज दैट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ. ठीक है, इंक्रीज जब जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. दस अब डेप्थ इंक्रीजेज मोर एंड मोर प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल ऑफ द डैम. जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएगा वाटर वॉल पर. अ थिकर वॉल इज रिक्वायर्ड ऑफ विदस्टैंड अ ग्रेटर प्रेशर. देयरफॉर द वॉल ऑफ डैम इज मेड विद थिकनेस इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द बेस. द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ एरोज. ठीक है, जैसे जैसे एरोज इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, सी हियर द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ एरो इन वाटर शोज द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द डैम टूवर्ड्स द बॉटम. ठीक है, उसको क्यों कर देते हैं? कि उसका एरिया बढ़ा देते हैं. ठीक है, क्योंकि उसके जो प्रेशर है इनसाइड द क्या हो जाता है? जब हम डेप्थ पर उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है विद. ठीक है, वॉल थिकर वॉल इसलिए नहीं है बिकॉज इट हैव टू विदस्टैंड विद द ग्रेटर प्रेशर. ठीक है, उसको ग्रेटर प्रेशर के साथ कैसे कर सके? एडजस्ट कर सके. नेक्स्ट, डाइवर्स सूट्स. ऑफ डाइवर्स सूट क्या होता है? सी डाइवर्स नीड स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट टू वियर बिकॉज इन डीप सी द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड ऑन अ डाइवर्स सूट इज मच मोर देन हिज ब्लड प्रेशर. ठीक है, डाइवर्स क्या होता है? द सी डाइवर्स नीड अ स्पेशल प्रोटेक्ट, उनको एक स्पेशल सूट देती है ना टू वियर बिकॉज इन डीप सी द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द डाइवर्स बॉडी इज मच मोर देन द हिज ब्लड प्रेशर. क्योंकि टोटल प्रेशर होता है ज़्यादा, क्योंकि विद द डेप्थ प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो हमारे ब्लड प्रेशर से प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है. तो टू विदस्टैंड इज उसके साथ रहने के लिए ही शी नीड्स टू वियर अ स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट मेड फ्रॉम ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक और कास्ट एल्यूमिनियम. द प्रेशर इन साइड द सूट इज मेंटेन एट वन एटमोसफियर. ठीक है, जो उसका सूट का प्रेशर होता है ना, जो उसका इनसाइड प्रेशर होता है, उसे क्या कर देते हैं? मेंटेन कर देते हैं वन लेवल. नेक्स्ट बेटा पास्कल्स लॉ. पास्कल्स ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड मीन्स पास्कल लॉ क्या होते हैं? पास्कल ने क्या किया? पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एग्जर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड. क्या बोलते हैं? कि जो प्रेशर एग्जर्ट होता है किस एवरी एनी वेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड ट्रांसमिट कैसे होते हैं? इज इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल द डायरेक्शन
थ्रॉट द लिक्विड मीन्स वो इक्वली क्या होता है, ट्रांसमिट होता है. एक्सपेरिमेंट देख लो. टेक अ ग्लास फ्लास्क. ठीक है, सी हियर, हमने एक ग्लास फ्लास्क लेनी है हैविंग नैरो ट्यूब्स कमिंग आउट फ्रॉम इट्स साइड्स एंड बॉटम. ठीक है, हम उसकी जो नैरो ट्यूब है उसकी साइड से और बॉटम से आ रही है. द फ्लास्क इज प्रोवाइडेड विद एन एयर टाइटेंड पिस्टन एट इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 4.5. फिल द फ्लास्क विद वाटर. द वाटर इन ईच ट्यूब विल बी एट सेम लेवल. द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इन ईच ट्यूब इज शोन बाय द डॉटेड ब्लैक लाइन. नाउ पुश द पिस्टन टूवर्ड्स द फ्लास्क. नाउ पुश द पिस्टन डाउन इन टू द फ्लास्क जेंटली. इट इज ऑब्जर्व दैट जेट ऑफ वाटर राइजेज आउट फ्रॉम ईच ट्यूब रीचिंग द सेम हाइट विद विच इज शोन बाई द अपर डॉटेड. ठीक है, वो जो प्रेशर वाटर बाहर निकलेगा उसकी क्या होगी, सेम हाइट होगी. नाउ पुश द पिस्टन डाउन इन टू द फ्लास्क जेंटली. दिस शोज दैट द प्रेशर अप्लाइड टू द इनक्लोज लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा है इनक्लोज लिक्विड में वो क्या हो रहा है, कन्फाइंड मीन्स क्लोज इन क्लोज लिक्विड हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन एवरीवेयर इन साइड द लिक्विड. ठीक है, वो क्या आ रहा है, सेम हो रहा है. जो प्रेशर मीन्स जो अगर कोई हम क्लोज वेसल लेते हैं तो उसमें जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम एवरीवेयर. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 4A. दीज आर नॉट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉज आर नॉट इन सिलेबस. ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.